इसी जगह पे मैंने आपको 2 महीने पहले बोला था कि दिस लीडर स्काउट 2060 इज द बेस्ट साइकिल अंडर 5000, एंड मैं आज इसी जगह पे आपको बोल रहा हूँ 2 महीने के बाद कि दिस इज़ द वर्स्ट साइकिल दैट यू कैन बाय अंडर 5000, एंड लेट मी शो यू व्हाई। ओके, सो पहले कुछ दिन मैं जब ये साइकिल चला रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज फाइन। सीट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, इसलिए मैंने सीट के ऊपर एक जेल पैडिंग कवर लगा था। फॉर फर्स्ट 1 वीक इट वॉज़ फाइन, मैंने एक 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर राइड पर गया था, इट वॉज़ फाइन। बट द सेकेंड लॉन्ग राइड आई वेंट टू, बार बार ये चेन गिर जा रहा था। मैं एक 25 किलोमीटर का राइड किया था, उसमें अराउंड 10 टाइम्स ये चेन गिरा था। फिर नेक्स्ट दिन मैं दुकान पे गया, वो इसको थोड़ा सा टाइट कर दिए। मैं जब भी इस साइकिल पे थोड़ा सा भी स्पीड से चलाता हूँ तो बार बार चेन गिरता है। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे साइकिल को बहुत ही धीरे से चलाना पड़ता है, ओनली देन द चेन डजंट कम ऑफ, अदरवाइज बार बार चेन गिरता है। बात है प्रॉब्लम नंबर 2 पे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये है स्टील कलर का, मतलब नॉर्मल सिल्वर कलर का। अब ये दोनों डिफरेंट क्यों है? ये दोनों इसीलिए डिफरेंट है बिकॉज मैंने इसका जो ये रिम है, सॉरी ये जो पार्ट है, इसको मैंने पूरा चेंज किया था। बेसिकली क्या हुआ था, मैं एक 20 किलोमीटर के राइड पर निकला था, एंड फिर रास्ते में ये पूरा ब्रोक ऑफ। ये जो पार्ट था, इसका जो बॉल बियरिंग है अंदर, ये पूरा ब्रोक ऑफ। तो मैं साइकिल को जितना भी पुश करूँ, इट वॉज नॉट मूविंग एट ऑल, एंड आई वॉज स्ट्रैंडेड इन द एम्प्टी रोड 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम विथ नो मनी। आप लोगों को पता नहीं है मैंने कैसे पैसों का अरेंजमेंट किया था, वो एक लंबा स्टोरी है, उसको मैं आपको नहीं बताऊँगा। इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एंड उस दिन मेरे को साइकिल वहाँ पे एक शॉप पे, लोकल शॉप में रखना पड़ा। फिर नेक्स्ट दिन जाके मैंने लाया, वो लोकल शॉप वाले ने बोला कि ये जो इसका जो क्वालिटी है, उन्होंने बोला इसका क्वालिटी बहुत ही पुअर है। मतलब ये जो पीछे वाला आप देख रहे हैं, यही था सामने, इसका क्वालिटी बहुत ही पुअर है, और ये एकदम भी वेट नहीं ले पाता है। मैं बेसिकली साइकिल के ऊपर ऐसे प्रेशर दे के चलाता हूँ, बिकॉज आपको पता होगा कि आप अगर साइकिल के ऊपर ऐसे प्रेशर दे के सीट से उठ के चलाते हैं तो आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो आई यूज़ टू डू दैट, एंड बस विद इन 2 वीक्स दिस कम्प्लीटली ब्रोक ऑफ, एंड बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे। अभी ये जो मैकेनिक ठीक करके दिया है, पता नहीं क्या ठीक करके दिया है, ये काफ़ी वॉबल होता है, ये जब मैं चलाता हूँ काफ़ी ऐसे लेफ्ट राइट मूव होता है, बहुत ही ज़्यादा व्हील वॉबल होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है मेरे को, ट्रस्ट मी। थर्ड प्रॉब्लम इस कि इसके जो ब्रेक्स है भाई, ये ठीक से काम बिल्कुल भी नहीं करते। ये देखिए, इन जस्ट 2 मंथ्स ऑफ यूज़ द ब्रेक इज़ ऑलमोस्ट कोरोडेड। यहाँ पे देखिए, फोकस नहीं हो रहा यार, ये देखिए नीचे वाला यहाँ पे है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है बिकॉज़ ये पूरा कोरोड हो गया है। इन जस्ट 2 मंथ्स ऑफ यूज़ ये ब्रेक लेवर पूरा ऐसे कोरोड हो गया इधर से। इस ब्रेक को मुझे लिटरली हर 2 से 3 दिन के बाद यहाँ से ऐसे पुल करके, इसको ऐसे पुल करके टाइट देना पड़ता है, बिकॉज हर 2 से 3 दिन के बाद ये ब्रेक लूज़ हो जाता है। जस्ट लुक एट दिस, ये देखिए, लाइक सीरियसली व्हाट इज़ दिस। हर 2 से 3 दिन के बाद, मतलब आज फिर से टाइट देने ले जाना पड़ेगा लोकल शॉप में। ये ऐसे लूज़ होता है, यहाँ से ये ऐसे खुल जाता है, फिर इसको पुल करके, बहुत ही ज़्यादा झंझट है यार। मुझे उतना पता भी नहीं है कैसे क्या लोकल मैकेनिक्स करते हैं। सामने भी सेम केस, पीछे भी सेम केस। सामने वाला मैंने आज टाइट दिया था, पीछे वाला मैं खुद नहीं दे पाया, मुझे फिर से शॉप पर ले जाना पड़ेगा। सो लीडर इज़ मार्केटिंग दिस एज एन MTB, ठीक है, बट ये MTB नहीं है, बिकॉज आप अगर बैड रोड्स पे इसको यूज़ करेंगे, इसके टायर आपको बहुत फैंसी लग सकते हैं, बट बैड रोड्स पे दिस इज़ अ हेडेक टू राइड, ट्रस्ट मी। अगर आप गंदे रोड्स पे इसको चला रहे हैं, पॉट होल्स एंड एवरीथिंग में इसको डाल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रेक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये ब्रेक आपका लूज़ हो जाएगा, आपका हैंडल बार लूज़ हो जाएगा। आप ठीक से देखिए, देख रहे हैं हैंडल बार कैसा टेढ़ा है, यहाँ पे ब्रेक्स देखिए और यहाँ पे ब्रेक्स देखिए। लास्ट दिन मैं एक पॉट होल में गिर गया था, मतलब गिरा नहीं था, मतलब पॉट होल में ऐसे डाला था, तो ये हैंडल पता नहीं कैसे ये पूरा ऐसे अंदर घुस गया। हैंडल बार को भी मुझे लिटरली हर 2 से 3 दिन के बाद यहाँ से टाइट देना पड़ता है, फिर यहाँ से टाइट देना पड़ता है, ये सब जगह, ये देखिए ऑटोमेटिक लूज़ हो जाता है। जस्ट थिंक ये ऑटोमेटिक लूज़ हो जा रहा है, मैं सिर्फ अपने उंगलियों से इसको घुमा दे रहा हूँ। जस्ट थिंक ऑफ दिस क्वालिटी, जस्ट लुक एट दिस, क्या बोलूँ मैं यार, बहुत ही गंदा क्वालिटी है। दिस साइकिल इज़ मेड अप ऑफ वेरी चीप पार्ट्स।
ओवरऑल यार अगर आपका बजट है अराउंड 5000, ये साइकिल अभी आपको 5000 पे नहीं मिल रहा होगा, ये अमेजोन पे अभी 6000 प्राइस है इसका। और इसके एक और वेरिएंट है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं भाई, और उसके साथ सस्पेंशन फोर्क मिलता है, तो वो आपको 7000 का मिलता है। प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दिस साइकिल इन दिस प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज में आई वुड ओनली रिकमेंड यू टू बाई बिटवीन रॉक राइडर ST20 जिसका प्राइस है अराउंड 7500 रुपये। ट्रस्ट मी गाइज, वो ज़माना चला गया है जब आप अराउंड 4-4.5 हज़ार में एक साइकिल खरीद सकते हैं। वो ज़माना चला गया है कि उस प्राइस रेंज में आपको एक डिसेंट साइकिल मिल जाता था। आजकल आपको इस प्राइस रेंज में अराउंड 5-6 हज़ार में डिसेंट साइकिल्स नहीं मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड ऑन पोटेंशियली बैड रोड्स, दीज साइकिल्स आर नॉट फॉर यू। अगर आप डेली कम्यूट अराउंड 5 किलोमीटर से कम करने वाले हैं और आपका रोड बहुत ही अच्छा है, देन यू कैन कंसिडर दिस। ये आपको शायद प्रॉब्लम नहीं देगा, फिर भी ब्रेक्स एंड एवरीथिंग लूज हो जाएगा, ठीक है, बट शायद उतना प्रॉब्लम नहीं देगा। बट मैंने यार साइकिल खरीदा था फॉर लॉन्ग राइड्स, मैं अराउंड 20-25 किलोमीटर हर रोज़ चलाने वाला हूँ, एंड फॉर दैट पर्पस दिस साइकिल इज़ एब्सोल्युटली माय रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आपका बजट बहुत ही कम है यार, 5-6 हज़ार है, प्लीज़ इंक्रीज इट टू एटलीस्ट 7-8 थाउजेंड, नहीं तो आपको अच्छा साइकिल नहीं मिलेगा। यू कैन कंसिडर ब्रांड्स लाइक बिटवीन, बिकॉज बिटवीन एक इंटरनेशनल कंपनी है एंड दे मेक ए ग्रेट साइकिल्स। तो बिटवीन का एक साइकिल है रॉक राइडर ST10, उसका प्राइस है अराउंड 6000 रुपये। आई थिंक दैट विल बी गुड, बट आई स्टिल रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर ST20, 7500 रुपये है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु राइड इट एंड इट इज़ अ गुड साइकिल। बट साइकिल्स लाइक दीज जो एकदम कम दाम में मिलते हैं, उन पे आपको ऐसे ही पार्ट्स मिलेंगे, मैं जितना भुगत रहा हूँ आप शायद उससे भी ज़्यादा भुगते। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर साइकिल्स लाइक दीज।